हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल के बारे में समझेंगे। यहाँ पर सर्विस मॉडल से मतलब उस फ्रेमवर्क से है जो इस बात को डिफाइन करता है कि इंटरनेट पर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज और सर्विसेज को किस प्रकार डिलीवर और मैनेज किया जाएगा। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एक टॉपिक। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सर्विस मॉडल है उसमें बेसिकली तीन सर्विस मॉडल हमको समझने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। उसके बाद जो अगला मॉडल है दोस्तों वो है आपका PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और फिर आता है आपका SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो इन तीनों सर्विस मॉडल को हम एक एक करके समझेंगे, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल से। ठीक है? तो दोस्तों, ये जो आपका मॉडल है IaaS, इसको हम लोग एक एग्जांपल की मदद से बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बड़े अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए, मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जिसका एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि अब उसका जो फ्लैट है वो किराए पर चला जाए, यानी वो अपने फ्लैट को रेंट पे देना चाहता है। ठीक है? और मान लीजिए ठीक इसी समय मुझे भी एक किराए के मकान की जरूरत है, मैं भी एक रेंट पर फ्लैट देख रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि मैं उस फ्लैट ओनर के पास जाता हूँ, उससे मेरी बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद वो इंसान मुझे अपना फ्लैट किराए पर देने को तैयार हो जाता है। ठीक? तो दोस्तों, यहाँ पर वो जो फ्लैट का मालिक है, वो जो आपका फ्लैट ओनर है, उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर मुझे कंसीडर किया जाएगा क्लाउड कस्टमर या क्लाउड क्लाइंट, क्योंकि मुझे उस सर्विस को यूज करना है। ठीक? अब जैसा भी मैंने आपको बताया कि उस इंसान ने मुझे अपना फ्लैट रेंट पर दे दिया है, मैंने उसका फ्लैट रेंट पर ले लिया है, और अब मैं अपने हिसाब से उस फ्लैट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है? और जितने समय के लिए मैं उसके फ्लैट का यूज़ करूँगा, उस हिसाब से मैं उसको पेमेंट करूँगा, भुगतान करूँगा, और उस समय तक मुझे इस बात की पूरी आज़ादी होगी कि मैं अपने हिसाब से उस फ्लैट का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। ठीक है? अपने हिसाब से उस फ्लैट को यूज़ कर सकता हूँ, जब तक कि मैं उसके फ्लैट को किराए पर ले लूँ। ठीक है? सो दोस्तों, यहाँ पर वो जो फ्लैट ऑनर है, वो जो मकान मालिक है, उसने मुझे दरअसल क्या प्रोवाइड कराया है? बेसिकली वो जो मकान मालिक है, उसने मुझे यहाँ पर फ्लैट के रूप में एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया है। जैसे मान लीजिए वो जो फ्लैट है वो 2 BHK फ्लैट है। ठीक है? सो यहाँ पर मुझे 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, बाथरूम और एक किचन एरिया के रूप में एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया गया है, और मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी इस खाली फ्लैट का, इस खाली मकान का अब अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। इस फ्लैट को मुझे कैसे भरना है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो किचन एरिया है, अब किचन में मुझे अगर RO लगवाना है तो किस कंपनी का मुझे RO लगवाना है, ये मैं खुद से डिसाइड करूँगा। ठीक है? वो RO कहाँ लगेगा ये भी मैं डिसाइड करूँगा। उस किचन के अंदर जो फल होंगे, जो सब्जियाँ होंगी, वो कौन सी होगी, ये भी मैं डिसाइड करूँगा। मैं सेलेक्ट करूँगा कि मुझे कौन सी सब्जी लेनी है, कौन से फल मुझे लेने हैं। ठीक है? अगर मुझे फ्रिज लेना है तो किस कंपनी का फ्रिज लेना है, सिंगल डोर लेना है या डबल डोर लेना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। कितना बड़ा फ्रिज लेना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। उस फ्रिज को मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है? अगर मुझे TV लेनी है तो किस कंपनी की TV लेनी है, बड़ी TV लेनी है या छोटी टीवी लेनी है, ये मैं डिसाइड करूँगा। उस TV को मुझे कहाँ पर लगाना है, ये भी मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है? इसी प्रकार अगर मुझे सोफ़ा सेट लेना है तो उस सोफ़ा सेट को मैं कहाँ पर एडजस्ट करूँगा, कहाँ पर लगाऊँगा, ये डिसीजन मैं खुद से लूँगा। बेडरूम में अगर मुझे डबल बेड यूज़ करना है तो उस डबल बेड को मैं कैसे एडजस्ट करूँगा, कहाँ पर उसको रखूँगा, ये डिसीजन भी मैं खुद से लूँगा। ठीक है? सो कुल मिलाकर यहाँ पर हो क्या रहा है, कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे पूरी तरह से आज़ादी मिल रही है, मुझे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि मैं उस फ्लैट का अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन कर सकूँ, उस फ्लैट को यानी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं अपने हिसाब से यूज़ कर सकूँ। क्लियर है? सो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अगर इसी चीज़ को मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जो IaaS यानी जो आपका
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल है, इसमें बेसिकली आपको एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक। और अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी वो जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो जो आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, आपको कैसे यूज़ करना है, आपको किस तरह के डिवाइसेज या सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। कब उनका यूज़ करना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस यूज़ करना है, तो आपको विंडोज़ यूज़ करना है या आपको लिनक्स यूज़ करना है, ये आप खुद से डिसीजन ले सकते हो। आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप विंडोज़ पे काम करोगे या लिनक्स पे काम करोगे, ठीक। इसी प्रकार डेटा के लिए जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं, जो वर्चुअल मशीन्स हैं, वो कौन से होंगे, किस प्रकार के होंगे, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। आप खुद से उन मशीनों को चुन सकते हो, ठीक। इसी प्रकार अगर आपको सर्वर यूज़ करना है, तो आप कौन सा सर्वर यूज़ करना चाहते हो, आप वेब सर्वर यूज़ करना चाहते हो या आप डेटाबेस सर्वर यूज़ करना चाहते हो या आप प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करना चाहते हो, तो आप खुद से सर्वर को भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको कौन सा सर्वर यूज़ करना है, और उस सर्वर को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, क्लियर है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप जो भी सर्वर, जो भी डिवाइसेस वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह सिलेक्ट करते हो कि भाई मुझे इनके साथ काम मुझे इनके साथ काम करना है, तो वो जो डिवाइसेज हैं, वो जो आपके सर्वर्स हैं, उनके मेंटेनेंस और उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इशू है, वो भी आपको हैंडल नहीं करने, वो सारी जिम्मेदारी उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या उस वेंडर की होगी, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना है कि भाई हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाकी उसकी जो भी सुरक्षा से संबंधित, उसकी जो मेंटेनेंस संबंधित समस्या होगी, वो सब कुछ वेंडर देखेगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्लियर है। साथ ही दोस्तों, आपको जिस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया है, उससे रिलेटेड जो आपका आईपी एड्रेस है, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये जो मॉडल है, इसी को बोलते हैं हम IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल। यहाँ पे बेसिकली आपको हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपको पूरी तरह से आज़ादी मिल रही है, आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से रिसोर्सेज का चुनाव कर सकते हो और अपने हिसाब से आप उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्लियर है। सो दोस्तों, ये जो मॉडल है, ये बेसिकली जो हमारे हम लोगों जैसी जो आम जनता है, पब्लिक है, उसके लिए यूज़ का नहीं है। जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो बेसिकली इस मॉडल का यूज़ करते हैं, और इसका एक एग्जांपल है AWS, यानी Amazon Web Services, जो कि आपको IaaS मॉडल की सुविधा प्रदान करता है। जैसे अगर आप AWS में लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक कंप्यूट सेक्शन मिलेगा, और उसमें जाने पर आपको कई सारे रिसोर्सेज की लिस्ट शो होने लगेगी, और अपने हिसाब से आप वहाँ पर अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को चुन सकते हो, उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्लियर है। सो ये कहलाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो क्या कर रहा है, जो आपको क्लाउड आधारित सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और अन्य हार्डवेयर संसाधनों को प्रदान कर रहा है, और आप स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और प्रबंधित कर सकते हैं, क्लियर है। साथ ही दोस्तों, ये जो लागत प्रभावशीलता है, यानी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो भी आपको इस मॉडल में मिलती है, क्योंकि आप जितने संसाधनों का उपयोग करोगे, केवल उतने के लिए ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। सो बेसिकली इससे जो आपकी लागत है, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, वो भी यहां पर आपकी बेहतर हो जाती है, क्लियर हो गया। सो ये कहलाता है आपका IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसके बाद दोस्तों, जो अगला मॉडल हम लोग समझेंगे, जो अगला सर्विस मॉडल हम लोग समझेंगे, वो है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये जो मॉडल है आपका SaaS, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन फूड खाने को मंगाने का जो ट्रेंड है, काफ़ी चल रहा है, ठीक है। सो मान लो कि किसी दिन मेरा भी मन करता है कि आज भाई बाजार से कुछ खाना मंगाया जाए, और मैं जोमेटो पे जाके क्या करता हूँ, जोमेटो के ऐप पे जाके खाने का ऑर्डर कर देता हूँ। मान लो मैं एक बिरयानी का ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक, और मेरे ऑर्डर करने के कुछ देर बाद जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय होगा, वो मेरे घर पर बिरयानी लेके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो डिलीवरी बॉय, वो जो बिरयानी लेके आया है, उस बिरयानी को बनाने में कौन से चावल, यानी कौन से राइस का यूज़ किया गया है, वो बासमती चावल थे या काली मूस था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। उस बिरयानी को बनाने में
किस कंपनी के मसालों का यूज़ किया गया, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया गया, कौन कौन से मसालों का यूज़ किया गया, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। उस बिरयानी को किस तरह के बर्तन में बनाया गया है, उसे लोहे के बर्तन में बनाया गया है या उसे स्टील के बर्तन में बनाया गया है, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। उस बिरयानी को किस मेथड के थ्रू बनाया गया है, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। वो जो बिरयानी है वो रेस्टोरेंट से मेरे घर तक किस प्रकार पहुँचाई जा रही है, इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी वो जो डिलीवरी बॉय है वो स्कूटर से आया है, साइकिल से आया है या कार से आया है बिरयानी डिलीवर करने, इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वो जो डिलीवरी बॉय है वो लड़का है या हो सकता है वो लड़की हो, इससे मुझे कोई लेना देना ना हो, नहीं है, ठीक है। उसका क्या नाम है, इससे भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे किससे लेना देना है, मुझे केवल और केवल उस बिरयानी से लेना देना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे और भी और किसी दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो जो बिरयानी होगी उसको मैं लूँगा और उसका यूज़ मैं कर लूँगा, यानी उसको मैं कंज्यूम कर लूँगा, उसको मैं खा लूँगा, क्लियर है, इतना समझ में आया। सो दोस्तों यहाँ पे वो जो बिरयानी है, अगर उसको आप सॉफ्टवेयर समझ मानो, अगर उसको आप सॉफ्टवेयर मानो बिरयानी को, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपको एक रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है और आपको केवल उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, आपको सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को यूटिलाइज करना है। बैक एंड में उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है। बैक एंड में किस तरह से डेटा को स्टोर किया जा रहा है, किस तरह से उसको प्रोसेस किया जा रहा है, किस तरह से डेटा को सेंड किया जा रहा है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है या किसने कितने तरह के सर्वर का यूज़ किया गया है, कौन कौन सी फिजिकल मशीन्स यूज़ की गई है, इन सब से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपके सामने केवल एक रेडी टू यूज़ क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा और आपको उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को यूज़ करना है, और जितने समय के लिए आप उस सॉफ्टवेयर की सर्विसेज को यूज़ करोगे उतने समय के हिसाब से आप क्या कर दोगे, उतने समय के हिसाब से आप पे कर दोगे, भुगतान कर दोगे, ठीक है। सो दोस्तों ये जो मॉडल है ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल, और हम लोग बेसिकली इसी मॉडल को यूज़ करते हैं क्योंकि हमको केवल रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, उस सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया गया है इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल, और ये मॉडल ही बेसिकली हमको इंटरनेट पर ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो मॉडल है SaaS, इसमें आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब चूंकि यहाँ पर आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है उससे उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस के इशू है या जो भी सिक्योरिटी का इशू है उससे भी आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। ये सारा काम, ये सारी परेशानी उस वेंडर की होगी, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आपके सामने तो केवल एक इंटरफेस है, एक सॉफ्टवेयर है और आपको केवल उसको यूज़ करना है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों ये जो मॉडल है ये प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र होता है, यानी आपका ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल होता है। इसका मतलब है कि आप SaaS एप्लीकेशन को किसी भी डिवाइस से किसी भी समय और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर है। आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता या उसको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। दोस्तों इसके बाद जो अगला मॉडल आता है वो है आपका पास, यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये क्या है, देखिए ये जो मॉडल है बेसिकली इसका यूज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके द्वारा इस मॉडल का यूज किया जाता है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कुछ निश्चित चीज़ों की जरूरत पड़ती है और वो सारी चीज़ें इस मॉडल के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है। जैसे इस मॉडल में डेवलपर को एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जाता है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है, कुछ डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, साथ ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी प्रोवाइड करा दी जाती है, और इन सब की मदद से दोस्तों वो जो डेवलपर है वो अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकता है, उसे डेवलप कर सकता है और उसे डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है।
और इसके लिए जो भी डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट टूल्स होते हैं वो वेंडर की तरफ से ही प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, उसमें जो डेवलपर है उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। साथ ही जो डेवलपर होता है दोस्तों, उसको किसी भी तरह के एक्सपेंसिव हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को परचेज करने की ज़रूरत भी इस मॉडल के अंदर नहीं होती, वो भी वेंडर की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्लियर हो गया? सो ये कहलाता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल। अब दोस्तों अगर बात की जाए फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जो आपका IaaS था, यानी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल था, उसमें आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही थी, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, तो वहां पे जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो आपको सबसे कम मिल रही थी, यानी वहां पे बिल्कुल भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही थी। वहां पे केवल आपको रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर मिल रहा था और आपको केवल उसको यूज करना था, ठीक है। सो दोस्तों ये जो पास है, यहां पर जो अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, तो IaaS और SaaS के बीच की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाएगी, यानी IaaS की तुलना में आपको यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलेगी, वहीं SaaS की तुलना में आपको यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। जैसे यहां पे कुछ रिसोर्सेस को आप एक्सेस कर सकते हो, वहीं कुछ रिसोर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे जो OS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसका चुनाव नहीं कर सकते। साथ ही यहां पे जो डेटा स्टोरेज है उसको भी एक्सेस आपको नहीं करने दिया जाता। यहां पे बेसिकली जो यूजर इंटरफेस है उसको एक्सेस करने की, उसको एक्सेस करने का बोल सकते हैं आपको मौका दे दिया जाता है। जो भी आपके एप्लीकेशन रिलेटेड एक्सेस हैं उसको आप यहां पर कर सकते हैं, क्लियर है। सो दोस्तों ये कहलाता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल, क्लियर है। अब दोस्तों इन तीनों मॉडलों को याद रखने की एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप आसानी से तीनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे अगर बात की जाए वो जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, तो वो किसका एग्जांपल था? वो एग्जांपल था आपका SaaS का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का, जहां पर आप क्या कर रहे थे, खाने के ऑनलाइन ऑर्डर आप दे रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन फूड का ऑर्डर देके किसी रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ही खाना खाने चला जाता हूँ, और उस रेस्टोरेंट में जो भी कुर्सी टेबल पड़ी होंगी उस कुर्सी पर जाके मैं बैठ जाता हूँ, तो वहाँ पे दोस्तों वो जो कुर्सी टेबल है वो बेसिकली मुझे एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वो मुझे एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर मैं खाना मंगा सकता हूँ और खाने को और खाना खा सकता हूँ, यानी मैं सर्विस को यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पास यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक। वहीं अगर दोस्तों मान लीजिए मैं उस रेस्टोरेंट में जाता हूं और कुर्सी पर ना जाकर मैं सीधे उस रेस्टोरेंट के किचन एरिया में चला जाता हूं और उसका जो शेफ है उसको मैं एक तरफ करता हूं और बोलता हूं कि आज खाना मैं बनाऊंगा, ठीक है, आज खाना मैं बनाऊंगा, और अपने हिसाब से मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे जो सब्जियाँ लेनी हो वो मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, मुझे जितने मसाले डालने हैं वो अपने हिसाब से डाल लूँगा, मुझे जिस तरह के बर्तन का यूज़ करना होगा वो मैं कर लूँगा, मुझे किस क्वांटिटी में पानी का यूज़ करना है वो मैं कर लूँगा, मुझे कितनी देर तक खाना पकाना है वो मैं डिसाइड करूँगा, यानी कुल मिलाकर सब कुछ मैं ही डिसाइड करूँगा और खाना तैयार कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल होगा ये कहलाएगा आपका IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, क्योंकि यहां पर सारी चीजें मैं ही डिसाइड कर रहा हूं, यहां मैं ही डिसाइड कर रहा हूं कि किस रिसोर्स का मुझे कैसे यूटिलाइजेशन करना है और कब करना है, क्लियर हो गया। सो दोस्तों ये थे आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। जो अगला वीडियो होगा वो होगा आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में, जहां पर हम पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड को समझेंगे। सो जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।